हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम बनाने वाले हैं एक मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं प्लेन लेता हूँ सबसे पहले, और मैं लास्ट में ही दिखाऊँगा ये बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन से। यहाँ से हम लोग एक कॉर्नर ले लेते हैं रेक्टेंगल, इसको डायमेंशन करेंगे। डायमेंशन कहता है ये 68 mm है यहाँ से, ओके। उसके बाद ये जो हाइट है ये 18 mm है, यहाँ से इसको 18 mm डालेंगे। ओके, ये वाला हमारे पास होगा 18 का, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक लाइन लेते हैं, यहाँ से एक काम करते हैं। पहले हम लोग एक आर्क ले लेते हैं। आर्क लेने के बाद यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ से लाइन लेंगे और इसको यहाँ से इतना रखने के बाद इसको थोड़ा सा इधर चलेंगे, और जैसा हमें दिखाई दे रहा है हम इसको वैसा ही बना लेते हैं। यहाँ से इसको हम ट्रिम करते हैं। पहले इसको यहाँ डायमेंशन करेंगे, यहाँ से ये वाली और ये वाली लाइन हम लोग टेंजेंट कर देंगे। उसके बाद डायमेंशन में जाएंगे और ये हम लोग करेंगे 6 radius का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हाइट होगी इसकी 53 mm, तो यहाँ से और इस पॉइंट तक हमारे पास 53 mm होगा, ओके। और इसके बाद हमारे पास डायमेंशन होगा 125, तो यहाँ से और यहाँ तक हमारे पास होगी वैल्यू 125 वैल्यू, ये यहाँ से फ्रंट से और यहाँ तक हमारे पास 125 वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और अब यहाँ पे हमारे पास एक फिलेट भी है जो कि रेडियस 18 का है, तो यहाँ से हम फिलेट लेंगे और 18 का फिलेट हम यहाँ पर कर देंगे और इसको ओके कर देंगे, ठीक है। रेडियस 18 का हमारे पास यहाँ पे फिलेट आ जाएगा, ओके। अब हमारे पास और क्या रहता है, इसको अभी हम ब्लैक कर देते हैं, इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे कंस्ट्रेंट है नहीं। सो ये ऑलरेडी टेंजेंट है, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको कुछ डायमेंशन दे देते हैं तो ये ब्लैक हो जाएगा, ओके। सो मैं ऐसे ही इसको गिवन कर देता हूँ, ऐसे ही इसको रहने देते हैं हम लोग, ओके। चलिए अब यहाँ से हम लोग लेंगे ऑफसेट, ऑफसेट होगा 12 mm का, तो यहाँ से हम लोग डालेंगे पहले 12 और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको रिवर्स करेंगे, तो यहाँ पर 12 mm का हमारे पास एक ऑफसेट आ जाएगा, यहां से अब हम लोग चलते हैं इसको ट्रिम करेंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पर एक सर्कल में ड्रॉ कर देता हूँ जो कि 6 radius का ही होगा, यानी कि 6 radius, यानी कि 12 इसको हम लोग कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग चलते हैं ये वाला और ये वाला, इसको टेंजेंट करते हैं, ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग टेंजेंट करते हैं और ओके,
टेंजेंट के बारे से ट्रिम लेंगे और यहाँ से हम इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ से एक इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो एक डायमेंशन डिलीट करने के बाद ही कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यही पोर्शन थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग है, बाकी और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और ओके, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये ट्यूटोरियल। तो यहाँ से ट्रिम लेते हैं, ट्रिम लेने के बाद इसको भी हम लोग ट्रिम कर देते हैं, और ओके। तो हमारे पास ये इस टाइम पे कुछ ऐसा आ गया है। अब इसको 92 mm हमें एक्सट्रूड करना है, तो फिनिश करेंगे यहाँ से। 92 mm लेना है, तो यहाँ से हम लोग एक्सट्रूड में जाएंगे और यहाँ पर डालेंगे 92, और देन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मिड प्लेन, तो हमें ये सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ आ जाएगा, आसानी रहेगी थोड़ी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। इसके अंदर अभी हमें क्या करना होगा, एक सर्कल है जो हमें इसके अंदर बनाना है, ठीक है, जो कि होगा 80 डायमीटर का, ठीक है। और यहाँ से लगभग 55 mm का होगा ये। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से चाहे तो आप प्लेन लेकर बना लो, 6 mm, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, चाहे तो आप नीचे, मुझे थोड़ा सा 6 mm नीचे से चाहिए, चाहे तो आप नीचे की तरफ से बना लो, नहीं तो आप यहाँ पर स्केच कर सकते हो, और इसको नॉर्मल कर लेते हैं। और यहाँ से मैं अब एक सर्कल बनाऊँगा बिल्कुल सेंटर में, और इसको ओके करूँगा, और यहाँ से इसको डायमेंशन भी करूँगा, डायमेंशन होगी इसकी 80 mm की, है ना, और इसको ओके करेंगे। फिर से डायमेंशन लेते हैं और देखते हैं इसका सेंटर कहाँ है, तो और यहाँ तक की वैल्यू इसकी 125 है, यानी कि पूरा यहाँ मैच हो जाएगा। पर फिर भी अभी ये कंस्ट्रेंट नहीं हुआ है, तो कंट्रोल के साथ हम लोग प्रेस करेंगे और इसको हम लोग कर देंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये ब्लैक हो जाएगा, और यहाँ से फिनिश। देखिए टोटल ये करना है मेरे को 55 mm, तो 55 mm मेरे को ये एक्सट्रूड करना है, तो 55 में से हमको 6 लेस करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 49। छः हम इसमें से लेस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 48। तो यहाँ से हम लोग एक्सट्रूड करते हैं, तो इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, और यहाँ से हम लोग इसको करेंगे 55 - 6, ठीक है, तो ये 49 बचेगा। और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हमें ये चाहिए, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें चाहिए 6 mm, ठीक है, और इसको ओके करेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ से हम स्केच नहीं लेते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से होल विजार्ड लेंगे, जिसमें कि 40 डायमीटर का होल है जो थ्रू आउट ही कटा हुआ है। तो यहाँ से सिंपल वाला हम लोग ले लेते हैं, ये सिंपल वाला लेते हैं आईसो, ये हो जाएगा हमारे पास कस्टम साइजिंग में 40, ठीक है, 40 डायमीटर का हो जाएगा। और इसको हमें काटना है थ्रू ऑल, और यहाँ से पोजीशन में जाएंगे, 3D स्केच में जाएंगे, और बस इसको सेंटर में रखना है, और यहाँ से इसको ओके करना है, तो हमारे पास होल आ जाएगा एक, ठीक है। तो मेन पार्ट तो हमने यहाँ कर दिया, और इसके बाद हमें ये प्लेन लेना होगा और यहीं स्केच करना होगा, और इसको हम नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के बाद हमारे पास आता है एक ये वाला पोर्शन, ठीक है, और एक ऐसा पोर्शन आएगा, ये कुछ ऐसा हमें बनाना होगा। यहाँ पर मैं फिलेट कर देता हूँ, फिलेट है इस समय मेरे पास 42 का, तो यहाँ से 42 करते हैं, और इसको ओके, और यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट है, और यहाँ से इसको एक सेकंड कट करेंगे, ट्रिम करेंगे यहाँ से, यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ से हम लोग आर्क बना लेते हैं, इसको बाद में टेंजेंट कर देंगे इस लाइन के,
ये वाला तो फिलहाल टेंजेंट ही है, और ये इस लाइन के साथ में इसको हम लोग टेंजेंट कर देते हैं, और ये दोनों तो टेंजेंट ही है। ओके, तो यहाँ से ये मैंने बना दिया। अभी इसकी जो हाइट है वो 24 है, ये फ्लैट है, यहाँ से ये वाला पोर्शन फ्लैट है, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। इसको मंडू करेंगे, ट्रिम भी करेंगे यहाँ से। चाहे तो आप इसको आर्क से ट्राई कर सकते हो, बेटर ऑप्शन है। कंट्रोल दबाएंगे, इसको यहाँ से टेंजेंट कर देंगे हम लोग। ओके, उसके बाद यहाँ से हम लोग फिर से कर्व लेते हैं और इसको यहाँ पर कहीं पे हम लोग टच करके बना देते हैं, और ये रेडियस 12 है यहाँ पे, ठीक है, और रेडियस 12 है, और ये वाला, और ये वाला पोर्शन यहाँ से हमारे पास है। दोबारा से लेते हैं, ये वाली लाइन और ये पोर्शन यहाँ से हमारे पास है लगभग 24 mm। ठीक है, तो यहाँ से 24 mm हो जाएगा हमारे पास। या हम लोग इसमें एक चीज और कर सकते हैं, जैसा मेरे को भी यहाँ समझ आ रहा है ये ठीक से प्रॉपर आ नहीं रहा है। ओके, तो हम ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसको और फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे मैच करा देते हैं। इससे क्या होगा, हम जब फिलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो थोड़ा बहुत बचेगा वो ऑटोमेटिकली बच जाएगा, है ना। और हम यहाँ से देख लेते हैं, और इसके अंदर क्या हमारे पास हो सकता है। सो हमारे पास फिलहाल यही है, इसका कुछ एंगल तो हमें दिया हुआ है नहीं इसका, तो यहाँ से इसको कुछ गिवन कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसको फिनिश करते हैं, और यहाँ से अब हम लोग लेंगे रिप कमांड। रिप कमांड ये नीचे की डायरेक्शन होनी चाहिए, और इसकी जो थिकनेस है वो है 14, और यहाँ से इसको ओके करते हैं, ये कुछ ऐसा आएगा। इसके बाद हमारे पास एक फिलेट है जो कि है रेडियस 12 का, और यहाँ से हम लोग इसे 12 कर देंगे और इसको कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद हमारे पास जो होल है वो होल भी हम लोग बना लेते हैं। होल है हमारे पास 16 डायमीटर का, जो 20 और 28 की डैम है उसमें है। सो यहाँ से हम लोग सीधा होल विजार्ड चलेंगे, होल विजार्ड में सिंपल होल लेंगे और थ्रू ऑल होगा, और इसमें जो इसका डायमीटर होगा वो 16 होगा। इस समय यहाँ से पोजीशन में जाएंगे, 3D स्केच में जाएंगे, 3D स्केच में जाने के बाद यहाँ कहीं हम ओके करेंगे और इसको नॉर्मल करेंगे। अब इसको डायमेंशन करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से 20 हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक 20 हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास ये यहाँ से और यहाँ तक ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 28, ठीक है। और यहाँ से इसको ओके करेंगे और हमारे पास ये होल आ जाएगा,
लिहाजा आपको क्यों बस करना क्या है, इस होल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जाना है मिरर के अंदर और इसको हम लोग मिरर कर देंगे इसके अबाउट। सो हमारा ये ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। यहाँ पे आपको कुछ अगर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे भी आप इसके ऊपर कलर अप्लाई करना चाहते हैं। पीएनएस में आपके पास पेंट है, ग्लास है, काफ़ी सारे हैं। तो जैसा भी आप अप्लाई करेंगे वैसा ही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा बनने के बाद। सो ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।